बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतगणना हो रही है और नतीजे भी आ रहे हैं। वहीं बात करें मुजफ्फरपुर नगर सीट की तो यहां से बड़ा उलटफेर सामने आया है, क्योंकि यहां पर बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा एनडीए के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी विजय चौधरी ने उन्हें कई टक्कर देते हुए कई हजार मतों से हरा दिया। इसके बावजूद खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना और क्षेत्र के लिए वह काम करें। वहीं बात करें सकरा विधानसभा सीट की तो यहां से जेडीयू यानी एनडीए के उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी ने जीत दर्ज की है। अशोक कुमार चौधरी को 67,265 वोट पड़े। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश राम को 65,728 वोट पड़े। इस प्रकार 1537 वोटों से जेडीयू के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्हें जीत हासिल हुई है, इसके लिए सकरा की जनता को जीत का श्रेय देते हैं। और आज से बीजेपी प्रत्याशी राम सूरत राय, साहेबगंज से वीआईपी के प्रत्याशी राजू सिंह, पारू से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह, बोचहां से मुसाफिर पासवान, मिन्नापुर से मुन्ना यादव ने जीत दर्ज की है। मैं अपने औराई विधानसभा के समस्त सम्मानित मतदाता बहनों भाइयों से नम्र निवेदन के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जीत आपकी जीत हुई है, यह राम सूरत की जीत नहीं है। आपने मुझे चुनाव जिताया है, आपके सेवक के रूप में मैं काम किया हूं, करूंगा, और यह जीत एनडीए की जीत हुई है, यह जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत हुई है। अगले 5 सालों के लिए क्या प्रार्थना? मैं अगले 5 सालों में जो बचे हुए काम हमारे द्वारा जो मैंने काम किया था उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण काम बचा है उस काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। कई सारा चचरी पुल है उसको क्या? चचरी पुल मुक्त हो चुका है, 10% बचे हुए जो इस साल इस वित्तीय वर्ष में मुक्त हो जाएगा। एनडीए की सरकार इस बार बहुत मुश्किलों के साथ नजर आ रही थी, बनती हुई पर बनी, तो इस पर क्या करेंगे? निश्चित रूप से यह सम्मानित जो महिला मतदाता हमारे हैं उनका बहुत बड़ा देन है जो माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिए हैं। जीत के बारे में क्या कहेंगे? साहेबगंज की जीत है, साहेबगंज की आम आवाम की जीत है, साहेबगंज के गरीब मजदूर किसानों की जीत है जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। इस बार जो मतों का अंतर है वह काफी है, क्या लग रहा है? ये और ज्यादा होता क्योंकि चुनाव के 15-20 दिन पहले तक लोग जान रहे थे कि मेरा फूल छाप है, लेकिन एकाएक सारे चीज चेंज हुए और मेरा नाम छाप आया, इसलिए मैं 15,000 से हूँ, नहीं तो मैं भी 40-50,000 से चुनाव जीतता। रिकॉर्डेड मत वो अंतर केवल हुआ है। इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? साहेबगंज की जनता को, साहेबगंज के आम आवाम। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी साहेबगंज के लिए? पहली प्राथमिकता है हमको फतेहाबाद घाट पुल बनाना। जनता की जीत है, जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता डायरेक्ट प्रचार प्रसार में निकली थी देखी गाड़ी, तो जो लोगों ने भी सहयोग किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुजफ्फरपुर का विकास का जो कल्पना हमारा है उस कल्पना को साथ साथ करने के लिए जो कुछ ताकत लगाना पड़ेगा उसको। अच्छा, एनडीए को हराया तो आपने, पर एनडीए की सरकार बन रही है उस पर क्या कहेंगे? सवाल क्या कि सरकार हर विधायक का मान बराबर है, सबको फंड मिलता है, सबके अपने अपने क्षेत्र में अधिकार है, तो सारे अधिकार का इस्तेमाल जनता के समस्या के समाधान के लिए करेंगे। कितनी चुनौतीपूर्ण रही है जीत? हर चुनौती को मुकाबला किया जाएगा। जो ये मेरा जीत नहीं हुआ है, ये सकरा की महान जनता की जीत है और उन लोगों की जीत है और नीतीश कुमार जी के विकास की जीत है। और चूंकि सकरा की जनता ने सूझबूझ कर अपना जनप्रतिनिधि चुनने के काम किए, इसके लिए मैं उन सबों का मैं आभार प्रकट करता। अमिताभ बच्चन कहा करते थे कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है, और हम कहते हैं कि जहाँ से जो आगे का विधायक काम छोड़ देता है मैं वहीं से शुरू करूँगा। वाह, जीत के लिए किनको देंगे? जीत का श्रेय सकरा की महान जनता को जीत का श्रेय देंगे। सकरा की जनता ने आपको प्यार दिया, इस बार जीतने के बाद वहाँ की जनता के लिए आपके लिए क्या प्राथमिकता है? पहला मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा तो मैंने कहा था ना, इससे पहले भी मैंने कहा था, पहला मुद्दा मेरा शामपुर का पुल होगा, और ये जो सभा से जो मर्चा रोड जो है लोहारना पुल को बनाना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। उसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी मैं योगदान मेरा होगा, और अगर सरकार तो एनडीए का ही बनेगा, और आगे भी मैं चाहूँगा छूटा हुआ काम को मैं पूरा कर और पूरी तरह से हमारे कर्मी, हमारे अभ्यर्थी, हमारे गण अधिकर्ता सब लोग पहुँच चुके हैं और कार्य प्रारंभ हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोगों का जगहों क्लियर होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपडेट करते जाएंगे, और कोई भी जाकर के ईसीआई की वेबसाइट पर लाइव उसको देख सकता है। सर, कब तक रुझान सामने आने शुरू होंगे? ये हम लोग जैसे जैसे हम लोगों का राउंड क्लियर होगा, एक राउंड में 14 मतगणना केंद्रों का होना है,
जैसे जैसे जो राउंड क्लियर होंगे उसको हम लोग स्पष्ट करते जाएंगे जितना जल्दी संभव होगा। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।